कड़े सवालों का एक नया हौसला जल्द आ रहा है। पंजाब के लुधियाना में एक दुकान पर 6 बदमाशों ने धावा बोल दिया। हमला करने वाले बदमाशों ने धारदार हथियार से दुकान के मालिक को बुरी तरह से घायल कर दिया। यही नहीं, हमला करने वालों ने दुकान से करीब 2.5 लाख रुपए भी लूट लिए। जिस दुकान पर हमला हुआ उसका करीब 200 मीटर दूर ही थाना था, लेकिन बदमाशों ने इसके बावजूद बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। ये तस्वीरें हैं पंजाब के लुधियाना की, जहां दिन दहाड़े एक दुकान में बदमाशों ने धावा बोल दिया। हथियारों से लैस 6 बदमाशों ने दुकान में घुसते ही काउंटर पर बैठे शख्स पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। महज 18 सेकंड में इन बदमाशों ने पीड़ित पर करीब 15 वार किए। दुकान में घुसते ही सबसे पहले 2 बदमाशों ने जतिन नाम के दुकानदार के कंधे और गर्दन पर वार किया। धारदार हथियार का वार होते ही जतिन आधी बेहोशी की हालत में पहुंच गया। इसके बाद एक तीसरे बदमाश ने जतिन पर कई वार किए। बेहोशी की हालत में भी जतिन हाथ उठाकर बदमाश को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश जतिन के पैरों पर कई वार करता है। इसी बीच एक बदमाश काउंटर से पैसे निकालता है और फिर सब तेजी से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जब बदमाश बेखौफ होकर दुकान में हमला कर रहे थे तो बाहर सड़क पर अफरा तफरी मची थी, लेकिन कोई भी जतिन को बचाने नहीं आया। दुकान के अंदर भी जो जहां था वहीं डरा सहमा खड़ा रहा। हमारा लड़का बैठा था दुकान पे, अकेला बैठा था। 5-6 लड़के आए हैं और उनको सिर पे गड़ासा मारा, उसके लाते मारा और 2.5-3 लाख रुपया था गले में, वो सब निकाल के ले गए, ऊपर से नीचे से सब ले गए निकाल के। लुटेरों ने दुकान से करीब 2.5 लाख रुपए लूट लिए। हैरानी की बात यह है कि दुकान से थाना महज 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं था। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। दिख रहे हैं पर उनके चेहरे ढके हुए हैं, उसके हिसाब से उनकी आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। वो करके फिर जैसी कार्रवाई करेंगे, हम जल्दी उनको आइडेंटिफाई करेंगे। दिन दहाड़े बाजार में हुई इस वारदात से इलाके में दहशत है। लोगों का डर है कि जब थाने के इतने पास लुटेरे आराम से वारदात को अंजाम देकर निकल सकते हैं तो फिर दूर दराज के इलाकों का क्या होगा। पुलिस की पुख्ता सुरक्षा होने के दावों के बावजूद लुधियाना में चेन स्नैचिंग और लूट की वारदात आए दिन हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।